राजू मेरी जान भाई, क्या हुआ? लगी तो नहीं तेरे भाई की मां? नहीं छोड़ी बहन जो तेरे क्या है यार, तू ठीक है ना? ट्रक कैसे पलटा? बाइक की वजह से? ट्रक बाइक की वजह से पलटा? बाइक ठीक है यार, ये टूट गया यार इसका। भाई राजू को जाके देख यार, भाई हैंडल भी गया, आगे हो गया। गाइस तो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो वैसे एक और नए दिन की शुरुआत एक और नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस कैसे आप सब? होप करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी तो अच्छा। तो गाइस अभी आया हुआ था ना दोस्त के घर पे, और यहीं से ना राइड पर चलना है, और कह रहे ना भाई माताबरो फॉरेस्ट चलते हैं, वहां पर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो मैं और कुछ राइडर्स बस निकलने वाले, क्योंकि यहाँ पर प्लान हो गया जस्ट ना, और निकलने जा रहे हैं। तो चलते हैं सीधा, आप लोगों से मिलेंगे ना ऑसम सी राइड पर। और यार हम लोग आगे चल गए थे, निकालना पड़ता है भाई। चलो 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 अब साथ में रहेंगे। तो फाइनली गाइस अभी ना हम लोग निकल चुके हैं राइड की तरफ, और राइड से निकलने से पहले जो काउंट हुआ ना मेरा, एक पैर देखो पूरा बूट गीला है, क्योंकि यार हम लोग ना गलती से ना एक गटर खुला था उसमें मेरी बाइक गई, और आगे वाले एफजेड वाले भाई की भी ना बाइक उसी में सेम गई। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, और अभी निकल चुके हैं मेन हाईवे पे। आए भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, पर निकल चुके हैं फाइनली आखिरी में। ठीक है, तो विशाल लीड कर रहा है, और विशाल यार आज इतनी पावर में दिख रहा है ना भाई, सबसे आगे जाके ना हमेशा जाके आगे वेट कर रहा है हमारा, हमेशा आगे जाके वेट कर रहा है। सोच लो गाइस कितना ही तेज हुआ आज, बाइक ड्राइव कर रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ थोड़ा स्लो ड्राइव कर। बट यार दो दिन से ब्लॉक पर गया नहीं है ना, तो अगले अंधे के अंदर ना अलग ही एक ना फील है जो होता है राइडर्स में। और राजू चेक करो गाइस बहुत ही फास्ट चल रहे हैं। गाइस मैं थोड़ा स्लो ही चलाऊंगा, क्योंकि यार मेरी बाइक ना अभी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकती है। ठीक है, और मेरे को अपनी बाइक में ना हवा भी भरवानी है। तो गाइस अभी हम लोग है ना इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, और अपने राइडर्स तो गाइस बहुत ही ज़्यादा पावर में चल रहे हैं। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ ना हम लोग जिस एरिया से जा रहे हैं ना, इस रोड पर ना गाइस मैं फास्ट नहीं चलाता, क्योंकि यार यही नॉर्मली ना यहीं पर मेरा ना डेली का ही वर्क होता है, डेली मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ, तो मुझे पता है ये रोड कितने खतरनाक है। मैं बता रहा हूँ गाइस इसी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा स्लो ही ड्राइव कर रहा हूँ, और मेरे राइडर तो गाइस बहुत ही ज़्यादा हाईवे देख के ना तेज़ भगा रहे हैं। ठीक है, इस रोड पर मेनली ना ट्रक वगैरह ही चलते हैं। ठीक है, बहुत रेयर चांस है कि कार वगैरह चले, और मतलब बाइक्स वगैरह चले। ठीक है, तो गाइस इस वजह से ना मैं इस रोड पर ना स्लो ही ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, और हम लोग जा रहे हैं अभी मातेवारा फॉरेस्ट, और वहीं पर चलते हैं। बस आज की जो राइड में ना आप लोगों को बहुत ही औसम औसम कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ना आज मैं आप लोगों से ना थोड़ा सा सॉरी कहने वाला हूँ, क्योंकि यार मेरी जो कैमरा है ना, मेरा जो कैमरा है ना उसमें चार्ज यार थोड़ा सा कम है, क्योंकि यार जस्ट ना राइड का प्लान बनाना, और मैंने मस्त थोड़ी देर पहले आधे घंटे पहले कैमरा चार्ज किया था, तो वो ज़्यादा चार्ज नहीं है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा रोड का वीडियो बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ही बनाएंगे, और फिर ना आप लोगों को फॉरेस्ट का वीडियो दिखाएंगे अच्छा वाला। ठीक है, तो मैं अभी कैमरा करता हूँ बंद, और आप लोगों से मिलता हूँ ना डायरेक्ट फॉरेस्ट वाली लोकेशन पर। तो गाइस ये लोकेशन देख रहे हैं आप लोग, मतलब अभी से ना मेरे को ये फील आ रहा है ना कि जो जंगल की लोकेशन है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। साइड साइड में देखो यार क्या ही हरियाली है, और हरियाली के बीच में अपनी निंजा 300 उसकी हरियाली तो गाइस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और थोड़ी सी ना विंड ज़्यादा तेज चल रही है, क्योंकि यार नॉर्मल सी बात है हम लोग 60-70 की स्पीड में, तो आवाज़ आ रही होगी हवा की, और बाइक वगैरह भी मेरा आज ना लटक गया थोड़ा सा बाहर में। और गाइस चलते हैं जल्दी से लोकेशन पर, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओ गाइस व्हीली चेक करो यार, भाई एफजेड वालों की व्हीली तो गाइस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, आपने मेरे ब्लॉग्स में देख के रखा होगा। विशाल भी बुला रहा है, व्हीली मारेगा क्या ब्रो? व्हीली व्हीली चेक करो गाइस, ओ ओ पावर में गाइस, ओ गाइस व्हीली चेक करो यार। मैं बता रहा हूँ गाइस आज जो विशाल है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मूड में है। ठीक है, बहुत ही हाई पर राइड कर रहा है, देखो यार गाइस उसको देखो, देख रहे हो गाइस फुल राइडर एकदम मूड में है भाई, पूरा मूड में आज विशाल। मैं तो बता रहा हूँ ना यार बहुत ज़्यादा हाइपर राइड कर रहा है भाई, मेरे को ना अभी 140 बाइक टपवा दिया था भाई इसने, क्योंकि यार इतनी तेज़ निकला ना, मैंने भी थोड़ी सी खींच दी। ठीक है, तो चलते हैं अब डायरेक्ट ना, मैं सोचा फॉरेस्ट ही मिलते हैं, अभी तक आया नहीं फॉरेस्ट में, तो ये सोच रहा हूँ भाई। ओ देखो यार इसकी हरकतें देखो, हरकतें देखो यार इसकी, वो देखो कैसे चला रहा है, देखो गाइस कैसे चला रहा है। भगाओ भगाओ भगाओ
तो गाइस इसको जाने दो आगे और मेरे को थोड़ी सी बात करनी है आप लोगों से। पता है कि विशाल ने ना आज हमारा बहुत बड़ा काट दिया है गाइस, और मेरे को ना कह रहा है कि भाई अब ना मातेवाला फॉरेस्ट 17 किलोमीटर अपने घर से था लोकेशन पे और हम लोग निकले थे, बट अभी हम लोग ना कम से कम एटलीस्ट अब 10 किलोमीटर चल चुके हैं और गूगल मैप पे ना अभी भी 17 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक मैं गूगल मैप देख नहीं रहा था। और गाइस यार इसने आज ना बहुत ज़्यादा हम लोगों को वो कर दिया। गाइस ये क्या हो गया यहाँ पर, ट्रक पलट गया, आके हो गया भाई, हुड़े हो या आके हो गया गाइस, अपने राइडर्स को, अपने राइडर्स है ना सेफ। राजू कहाँ गया गाइस? यार यहाँ पर ना बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ हुआ है और मोड़ पे हुआ हुआ है, तो थोड़ी देर हम लोग रुक रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर वेट करेंगे, क्योंकि यार ओए राजू मेरी जान भाई, क्या हुआ? लगी तो नहीं तेरे भाई की मान, ये छोटी बहन जो तेरे के हयात में, तो ठीक है ना कुछ हुआ तो नहीं ना गाइस? यार बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया यार मेरे ख्याल से। ट्रक कैसे पलटा, बाइक की वजह से? ट्रक बाइक की वजह से पलटा, ट्रक पहले से पलटा हुआ था, ओवर कंट्रोल नहीं करता है ना, कट है ना ये, कॉर्निंग थी भाई, कॉर्निंग से कॉर्निंग हुई नहीं, इसने ट्रक की तरह मार दी, आगे से कॉर्निंग थी, लगी तो नहीं ना भाई। गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया यार, इसीलिए कहते हैं ना रैश ड्राइविंग ना करो यार। बाइक ठीक है यार, ये टूट गया यार इसका, बाइक निकालता हूँ मैं, रुक जा बाहर भाई, राजू को जाके देख यार भाई, हैंडल भी गया, धक्का मार, गियर में है, 6-6 में गियर में है भाई, बाइक का बहुत ज्यादा लॉस हो गया यार। तेरे को लगी तो नहीं ना भाई, बाइक की तो मान ही चोदी बनवा देंगे। तो पहले ना एक बार ना अंदरूनी चोट तो नहीं हुआ पागल भाई, संभल रहा यार, काम कर रहा है, गिर गया यार, मेरे को लगा तू आ गया विशाल, वो यार पता नहीं क्या हो गया, मतलब कॉर्डिंग गई तुझको दिखा नहीं, तू बता तो रहा था मैं ऐसे की कॉर्डिंग है यार, मैं पीछे से मैं इशारा भी कर रहा था, स्लो कर, इशारा कितनी बार किया था ना भाई, आगे था मैं, मैंने इशारा भी किया था कि कॉर्डिंग है, कॉर्डिंग है, मेरी बाइक साइड कर देना, तो भाई इशारा भी तेरे को लगा तो नहीं भाई, कॉर्डिंग है भाई, आप मेरी बाइक थोड़ी साइड कर दो, आप कार वगैरह जा रही है, इशारा दिखा था कि नहीं दिखा था, बाइक का हैंडल गया यार, सीधा हो गया हैंडल, और ये टूट गया, हैंडल सीधा हो जाएगा भाई, ना भाई पीछे बंदा बैठा था ना, कॉर्डिंग होती नहीं भाई, जैसे हुआ मुझे दिखने में बाइक का नहीं, उसको बाइक का तो हम बनवा देंगे यार, बाइक का बनवाओ यार, घर पे कहाँ जाऊँगा मैं, सेफ है राजू यार, बाइक पूरी टूट गई, इसका करवाते हैं काम, ज्यादा टेंशन वाले ज्यादा डैमेज नहीं, और चक्का टेढ़ा हुआ ठीक है, वो सीधा हो जाएगा, अभी कोई ट्रक वगैरह, विशाल बाइक साइड कर ब्रो, हम लोग ना गाड़ी वाड़ी यहीं से करते हैं, बाइक लाते हैं, चलते घर के लिए,